संघीय शासन व्यवस्था या बोलेंगे संघवाद या बोलेंगे क्या चीज, संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय सरकार भी कहते हैं इसको, संघीय शासन भी कहते हैं, संघीय सरकार भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर क्या चीज है, संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक क्या चीज सरकार। देखिए कह रहा है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का बंटवारा है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय, यानी क्या होता है क्षेत्रीय मतलब स्थानीय, जिस जगह पर आते हैं यहाँ भी शासन व्यवस्था है ना, कैसे है बोले कैसे है। मान लेते हम यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या चीज होता है, उस गांव का क्या होता है, सरपंच होते हैं या मुखिया होते हैं या वार्ड होते हैं, होता है। और उस वार्ड से जो होता है गाँव का विकास किया जाता है, वो भी क्या है शासनिक व्यवस्था है। तो सबसे पहला कौन शासन व्यवस्था होता है केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार होता है, कौन होता है केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार। उसके बाद कौन सरकार आती है, उसके बाद में राज्य सरकार, राज्य सरकार। इसके बाद कौन आता है स्थानीय सरकार, स्थानीय या क्या बोलते हैं क्षेत्रीय, क्षेत्रीय सरकार। तो देखिए असंघात्मक मतलब होता है कि जब क्या होता है, जब किसी देश के या किसी राज्य में क्या होते हैं मिलजुल कर विकास की जाती है उसे क्या बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था, संघीय सरकार कहते हैं। जैसे मान लेते केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, कोई भी घटना गांव में घटती है तो पहले किसको पता चलता है स्थानीय सरकार को ना, ले केंद्र पर यही चल जाता है, पहले सुप्रीम कोर्ट में चल जाता है, सबसे पहले क्या होता है क्षेत्रीय में जो सरकार है या बोल सकते हैं क्या चीज अध्यक्ष है या क्या बोलते हैं विधायक है, अरवल के कौन भी है अध्यक्ष टुन्ना शर्मा स्थानीय है ना। इस तरह से क्या होती है तीनों मिलकर क्या करते हैं है ना, किसी देश को चलाने में कार्य करते हैं, किसी राज्य को चलाने में कार्य करते हैं, तो यही क्या होता है संघीय शासन व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था। एक होता है एकात्मक, एक होता है एकात्मक, एकात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था व्यवस्था। एक इसमें ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है केवल एक ही व्यक्ति के पास निकल जाता शासन होती है, वह जो है जैसे राजा का शासन पहले होता था उसी के हाथ में, जो करना वो करेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। दम दम ढेंगे ही हो राजू को बगल जाने लगाई थी, हाथ मुहा के लग तो क्या लगाई। देखो ये क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था, क्या चीज है एकात्मक वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का बंटवारा या तो राज के पास होगा या तो केंद्र के पास होगा या तो स्थानीय के पास होगा, किसी एक के पास होगा, वह क्या होती है एकात्मक होती है। क्या होती है एकात्मक, जिस तरह से घर को चलाने के लिए नहीं होते हल होता है, घर को चलाने के लिए क्या होता है एक मालिक होते ना है? या एक मुखिया होते हैं घर का मुखिया, उस तरह से क्या होता है वो जो होता है एकात्मक शासन होता है। पहले के समय में था कि नहीं घर का जो है पापा या हो गया या दादा हो गया मम्मी हो गया, एक क्या हो गया मालिक हो गया, और अब के समय क्या है सब मालिक है ना, है ना। अब क्या हो गया संघीय शासन व्यवस्था हो गया है। और मान लिया किसी भी लड़का का शादी होता है तो बहू उसका बहू आती है ना, उसकी पत्नी आती है, वही मालिक हो जाती है, मालिक होती है नहीं सर। कोई भी काम करके आता है लड़का पैसा दे देता है मम्मी के, उसकी पत्नी गुस्सा, और वही पैसा देता पत्नी के उसकी मम्मी गुस्सा, इस तरह क्या होती है यह संघीय सरकार हो जाता है। क्या होता है संघीय सरकार, इस तरह लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये क्या है संघीय शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति के बंटवारा केंद्र सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो या क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार के पास हो, तो क्या होती है संघीय शासन व्यवस्था। जैसे भारत में क्या कौन सा व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था है, देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार है, राज्य चलाने के लिए राज्य सरकार है, और स्थानीय चलाने के लिए विधायक है ना, नगर परिषद है, वार्ड है, सरपंच है, ग्राम रक्षा दल है, ये सब क्या है इन्हीं संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ओए नमरे क्या कर रही हो, चल सुनो बीके एक लाइन सुन लो, तो ऐसे तुम तुरे खाती है ये हो
वो छन छन करके आए छम छम के चले गए, वो छन छन करके आए छम छम के चले गए, मैं सिंदूर लेके खड़ा खड़ा थे और राखी बांध के चले गए। ये क्या था, ये कात्मक शासन व्यवस्था, ये समझ में आ गया? ए किसी को दिखा था इसमें, जब किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होगा, सभी सरकार की जरूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक क्या होती है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल एक ही सरकार होता है, या तो राज होगा या केंद्र होगा या क्या हो सकता है स्थानीय।